हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस, एग्जाम क्वेश्चंस। आइए, क्वेश्चंस लिखे जा रहे हैं, आप लोग ज़रा करिए। आसान भी हैं, मुश्किल भी हैं, सब हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था ना। अब कब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस में घुसा और कब मैट्रिसेस आगे जाके और ज़्यादा पता ही नहीं लगा। चलिए ये करिए भाई, देखो सोच समझ के करना, इजी है। अब कुछ भी अलग से नहीं पढ़ेंगे। अब ये नहीं बोला जाएगा, बोलना भी नहीं चाहिए कि फलाना क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, फलाना वेक्टर स्पेस का है या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का है। अब आपने सबको आपको सब कुछ दिखा दिया गया है कि एक दूसरे के साथ संगी साथी हैं भाई, आप अलग चाह के भी नहीं कर सकते। कीजिए ज़रा, भैया इसी बार का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, आत्मविश्वास बढ़ा देगा, सक्सेसफुली कर सकते हैं। ये सबसे होने वाला क्वेश्चन है। एंट्रीज चेक कर लो मैट्रिक्स की। 1 -1 0 0 0 0 -2 2 2 -2 2 2 -2 2 2 ओके। बी इज a5 + a4 + i ओके। करिए, अब सबसे होने वाला है ये, हो जाएगा। पहला पहला क्वेश्चन है, क्लास कैसे गुजरेगी ये क्वेश्चन डिसाइड करके दे ही देगा आपको। ट्राई कर रहे हो यस स्टूडेंट्स? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू ट्राइंग? हेलो अरमान, देवाशीष, धनराज, एकदम करिए करिए, ट्राई कीजिए, निकलेगा निकलेगा, 100% निकलेगा। देखते हैं अभी। हाँ जी, एक स्टूडेंट का आंसर आया था ऑप्शन टू। हाँ ऑप्शन थ्री, दो आंसर्स आ गए हैं, दो लोगों के आ गए भाई। ये होने वाला क्वेश्चन है, मानो बात। सबसे पहले काम क्या करेंगे आप, आइजन वैल्यूज ऑफ ए निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल से। क्या है आइजन वैल्यूज? 0, 1, 2। व्हाट आर आइजन वैल्यूज ऑफ ए ऑल ऑफ यू? 0, 1, 2 तीन आएंगी ना।
012 कितने लोगों का आ गया? आप लोगों का आ गया? ऑनलाइन में आया किसी का आइजन वैल्यूज ऑफ एयर 012? प्लीज आंसर। आप सभी महान महानुभाव इधर देखेंगे। सो इसकी आइजन वैल्यूज हो गई आपकी 012। भाई ये कैलकुलेट करना है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप अपनी राह खुद मुश्किल कर रहे हैं। इट इज़ बैड, नॉट गुड, इट इज़ बैड। तो ये पहला आइजन वैल्यू, दूसरा आइजन वैल्यू, तीसरा आइजन वैल्यू। तो बी के लिए आइजन वैल्यूज क्या होंगी? 0 + 0 + 1। अगला 1 का पावर 5 वन ही होता है, 1 का पावर 4 भी वन होता है, प्लस इसका तो वन ही रहेगा आइडेंटिटी का। नेक्स्ट 2 का पावर 5, ये आपको कितने सारे क्वेश्चन नहीं कराए ऐसे, थोड़ी शर्म कीजिए, कमाल कर रहे हैं आप लोग भी। तो पहले वाले में आइजन वैल्यू आपका 1 आ गया, अगले में आइजन वैल्यू आपका 3 आ गया, अगले में आइजन वैल्यू आपका 49 आ गया। जिससे ये क्वेश्चन नहीं हुआ उसको तो पढ़ना ही छोड़ देना चाहिए, सच में छोड़ देना चाहिए पढ़ना। सो 1 इज एन आइजन वैल्यू, 49 इज एन आइजन वैल्यू, 3 इज एन आइजन वैल्यू, बट 2 नहीं है। सब कुछ एवरीथिंग इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। क्या प्रॉब्लम है? पहला क्वेश्चन डिसाइड करने वाला था बहुत कुछ। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अरमान आर यू देयर? यस अरमान, रिदम सलोनी, संयम विशु? नहीं, एक क्वेश्चन तो आपसे होना चाहिए था। क्या क्या कर रहे हैं आप, ध्यान किधर है? ये देख के डर गए कि इस बार का ये 24 में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, डरने से क्या होगा? आपको तो सब कुछ लगभग करा दिया गया, विश्वास करिए। कीप रिपीटिंग, जो जो क्लास में हो रहा है ना उसी को पढ़ते रहो, भटको नहीं है। अब इसको कर देना जिनसे पिछला क्वेश्चन नहीं हुआ। भाई आपको सिर्फ इतना करना है, जो क्लास में कराया जाता है उसको एज इट इज पढ़ के आए, उसके साथ एक्सपेरिमेंट ना करें। जो एक्सप्लोर करने के लिए बोला जाता है वो एक्सप्लोर किया करो ना, अब तक तो हो जाना चाहिए था। सही सही आंसर निकाल के दीजिए। ये मुझे तो कायदे से ऑप्शन लिखना भी नहीं चाहिए। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपने ऑप्शन दे दे के करना शुरू किया तो पक्का 100% फंसोगे, निकलेगा ही नहीं, तंग हो जाएंगे आप। आपको यही बोला ना, ऑप्शन ना देख के पहले सॉल्व कर लिया कीजिए एंड राइट एवरीथिंग एनालिटिकली कि ऐसे में ऐसा हो गया, फिर देखना ऑप्शन। ये है सक्सेस तभी मिलेगी आपको। चलो करो, यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग द सिस्टम। कुछ पूछ रहा होगा उटपटांग सा फंसाने वाला। इसी बार का क्वेश्चन है, देख लो भाई। और जिन्होंने पिछला क्वेश्चन सक्सेसफुली कर लिया, ऐसे क्वेश्चंस तो आते ही हैं, और क्या आएगा? अपना कीजिए, डोंट लुक एट द ऑप्शंस, वो बाद में देखिएगा।
ऑप्शन। देखिए, आप सबके लिए एक ही वही एक ही बात है कि पहले खुद एनालिटिकली लिख लो, उसको मत देखो ऑप्शन को, प्लीज पहले लिख लो अल्फाबेट की क्या क्या कंडीशन आई है। आपको ऐसे क्वेश्चंस पहले भी कराए गए हैं, अगर खाली एक अननोन होता है ना तब समझ में आ जाता है, बट यहाँ दो दो फंसाते हैं, फिर वो बात फंस जाती है। फिर पहले खुद लिख लीजिए, तीन चार चीज़ें होती हैं, मिलेगा आपको। रैंक ऑफ ए कितना कितना हो सकता है, कब कब होगा, रैंक ऑफ ए बाई बी कितना कितना हो सकता है, कब कब होगा, एंड देन ऑप्शन देखना। वन सॉरी वन 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 जीरो माइनस वन वन टू थ्री अल्फा थ्री वन बीटा, थ्री वन बीटा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा बीटा, अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर एनी बीटा व्हेन अल्फा इज नॉट वन, ठीक है, नो सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा व्हेन बीटा इज नॉट फाइव, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फॉर एनी अल्फा व्हेन बीटा इज फाइव। ओके, सो लेट अस डू ए बाई बी, की टू सक्सेस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में अगर इस तरह का उलझाने वाला स्टेटमेंट दिया है तो देखना ही नहीं, एग्जाम में भी मत देखना, पहले लिख लिया कीजिए अपनी तरफ से, मतलब अपने दिमाग में भर लिया आपने कि ये चीज़ें संभव है, पॉसिबल है। जिसने एक्लन फॉर्म नहीं पढ़ा भाई, आप तो इसके हेल्प से यहाँ जीरो बनाएंगे, टू टाइम्स माइनस करेंगे, टू माइनस टू जीरो, थ्री माइनस टू वन, अल्फा माइनस टू, बीटा माइनस सिक्स। पहला स्टेप यही है, इसका काम खत्म है, इसके हेल्प से इसको जीरो बना दो। ये बहुत अच्छा मेथड दे दिया एक्लन ने, जीरो माइनस वन वन वन। हाँ जी, इसके हेल्प से इसको जीरो बना के ऐड ऐड ही करना पड़ेगा। सो दिस इज अल्फा माइनस वन, अब आया ना मज़ा। एंड लास्ट में क्या आएगा आपका, बीटा माइनस फाइव। भैया ज़रा कॉपी करना बंद कीजिए, क्योंकि यही आपकी परीक्षा की घड़ी है, यहाँ गड़बड़ मत कर देना। आइए ज़रा आप सभी लोग, प्लीज़ डोंट लुक एट द ऑप्शंस, वो होता रहेगा, पहले आप इधर आओ। ये आपका ए मैट्रिक्स है, देखिए ये नॉन जीरो एंट्री है, ये नॉन जीरो एंट्री है, रैंक कम से कम दो तो है ही। रैंक इसका तीन तब होगा जब अल्फा माइनस वन नॉन जीरो होगा, तो यहाँ लेट मी राइट एवरीथिंग। रैंक ऑफ ए दो हो सकता है और तीन भी हो सकता है, दो कब होगा जब यहाँ जीरो होगा। हाँ जी, तीन कब होगा, इज इट क्लियर? जिसको ऐसे रैंक देखना नहीं आता, नमस्ते जी, सामने बताइएगा, डांट ही पड़ेगी आपको, तो पता नहीं कुछ और भी सुनना पड़ सकता है। ये रैंक ऑफ ए हो गया, अब जरा रैंक ऑफ ए बाई बी के बारे में बात करते हैं। रैंक ऑफ ए बाई बी, रैंक ऑफ ए बाई बी में देखिए हम ऑप्शन नहीं देख रहे हैं, इधर आओ जरा, ये अल्फा और ये बीटा, इस पे कंडीशन इम्पोज करते हैं, तो इसका रैंक भी क्या क्या हो सकता है। थोड़ी देर के लिए मान लो ये दोनों जीरो हो गए, ये दोनों जीरो हो गए तो फिर तो दो ही आएगा रैंक, इन दोनों इनकी इनकी वजह से। रैंक ऑफ ए बाई बी ये भी दो हो सकता है या फिर तीन हो सकता है, दो कब होगा, अल्फा माइनस वन इज जीरो एज वेल एज बीटा माइनस फाइव इज जीरो। अब इधर आइए जरा ध्यान से, ध्यान से, रैंक ऑफ ए बाई बी भाई वो तीन होना, इस पे भी और इस पे भी, दोनों दोनों के लिए लिखना पड़ेगा। अगर अल्फा माइनस वन, ओके लेट मी राइट, मान लो थोड़ी देर के लिए, पहले चेक करो ठीक लिखा, डोंट लुक एट ऑप्शंस, ये स्टेटमेंट ठीक लिखा है नहीं लिखा। अगर यहाँ जीरो हो गया लेकिन यहाँ नॉन जीरो है, फिर तो रैंक तीन हो जाएगा। अच्छा जी, अब चेक कीजिए, इधर नॉन जीरो है वहाँ जीरो है, तो भी रैंक इसका तीन है, तो तीन से ज़्यादा तो ए बाई बी का हो नहीं सकता। या फिर ठीक है, ये हमारे हमारा कंक्लूजन, हमें नहीं पता मैच करेगा नहीं करेगा, भाई ये सबको क्लियर हो गया। अब जरा चलते हैं ऑप्शन में, तो पहला है, दूसरा है, थी, अब आपने बाकी सारी चीज़ें तो देख ही ली, पहले वाले पे आते हैं। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा एंड फॉर एनी बीटा तो बकवास है, तो कंडीशन देते सारी मिल ही रही हैं आपको, दिख ही रहे हैं। अगर ये वाली एंट्री आपकी जीरो हो गई और वो नॉन जीरो हो गई, तो ए बाई बी का रैंक ए के रैंक से मैच नहीं करेगा, तो सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, दिख रहा है ना।
इफ दिस इज जीरो एंड दिस इज नॉन जीरो तो रैंक विल नॉट मैच, तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कट आउट उसको। उसके बाद आपका नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, जरा पाँचवें पे आइए, पाँचवें पे, सॉरी लास्ट वाले पे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, अल्फा फ्री छोड़ दिया भाई साहब ने और कह रहे बीटा फाइव है। हाँ जी, बीटा अगर फाइव है तो यहाँ जीरो हो गया। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए तो रैंक ए बाई बी का ए के बराबर और थ्री होना चाहिए, है ना? अगर बीटा फाइव है तो यहाँ जीरो। ये इसको पिक्चर को नहीं ख़राब करेंगे भाई, नहीं यस ये ज़ीरो हो गया। अगर इसके साथ साथ ये भी जीरो हो गया तो दोनों का रैंक तो मिल जाएगा, लेकिन यू नो ओके, अगर ये नॉन ज़ीरो हो गया तो देखिए वो देखना पड़ेगा ना, यूनिक सॉल्यूशन आ रहे हैं या इन्फिनेट आ रहे हैं। अभी आप समझ गए मेरी बात, अभी बस मैं इसी से डर रहा था। क्या हो गया, लेट कैसे हो गए? ये स्टूडेंट्स रैंक ऑफ ए बाई बी, आ छोड़ो अब इधर ध्यान लगाओ, बहुत हो गया। नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, हाँ जी क्या मिलता है यहाँ से? अरे और अगर ये दोनों बराबर है लेकिन लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है तो क्या मिलेगा? तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज तो आपके पास है ही ना, इसमें देख लो भाई, मैं पिक्चर नहीं खराब करूंगा। यस अगर ये क्या कह रहे हैं वो, बीटा फाइव है, बीटा फाइव है तो यहाँ जीरो हो गया, इधर जीरो आ गया। अगर ये नॉन जीरो हो गया तो रैंक ऑफ ए बाई बी इज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स सी, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। वो क्या कह रहे हैं वहाँ पे? नहीं वो तो गलत है ना फिर, दिस इज रॉन्ग। वो तो फिर अल्फा फ्री छोड़ दिया तो कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी पॉसिबल है और यूनिक भी पॉसिबल है। ये भी हटाइए, अब ये सेकेंड एंड थर्ड पे। वेल आप में से काफ़ी लोगों ने कंक्लूड कर ही लिया होगा भाई, बात समझ में आ गई। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब बताओ, सबको क्लियर हो गई बात? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन कभी भी आता है पहले ये वाला काम कर लीजिएगा, ये आपका टाइम नहीं खराब कर रहा है, ये आपका टाइम बचा रहा है, ये क्लैरिटी दे रहा है। बल्कि ऑप्शन देख देख के करोगे तो पगला सकते हो, सच में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट है, यू शुड जस्टिफाई ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी क्लियरली, ईच एंड एवरी पॉइंट, कुछ नहीं छोड़ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भाई आप लोगों की तो आवाज़ ही पता नहीं कहाँ से आती नहीं है तुम्हारी आवाज तो ऑनलाइन। सेकंड ऑप्शन आ गया था आप सबका, देखिए आपको इतना सारा करा दिया गया है, आपको थोड़ा बहादुरी के साथ कदम बढ़ाना चाहिए यार, ढंग से जवाब ही नहीं दे रहे। यस आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? हेलो अच्छे से एक एक पार्ट कंक्लूड कर लीजिएगा प्लीज। ये तब होगा जब पहले ये होगा, ये लास्ट क्लास में भी समझा रहा हूँ अभी भी समझा रहा हूँ, जब तक ये नहीं करोगे तब तक ऑप्शन सही सही नहीं कर सकते। देर विल ऑलवेज बी अ चांस कि एक से ज़्यादा आप मिक्सअप कर दो। ओके ये करिए ज़रा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ सही देख रहे हैं, सही सुन रहे हैं।
देन क्या अल्फा बीटा निकालना बेसिकली। वो कह रहे नहीं 4 अल्फा प्लस 3 बीटा निकाली, निकालो भाई तो निकालना पड़ेगा। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यस व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दैट मीन्स रैंक ऑफ ए बाई बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए लेस देन लेस देन लेस देन, 3 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, बस बाकी करिए अपने आप। इट शुड नॉट बी 3, रैंक शुड नॉट बी 3। एंट्रीज चेक कर लो भाई पहले, हमने भी कहीं गड़बड़ ना कर दी हो। एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज x, एक्स प्लस वाई प्लस अल्फा जेड इज 3, 28 2y प्लस z इज बीटा, गुड 28। हाँ देखते हैं अभी, गुड गुड गुड। भाई आंसर निकाल के दो, देखो ऐसे दिल ना तोड़ो। बस इसी में सब कुछ छुपा हुआ है, 3 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। अभी तो पिछला क्वेश्चन ऐसे ही तो था, इसलिए बोला था आपको, देख लो ये भी 0 वो भी 0 गया, सेम सेम। भाई आज ज़्यादा लोगों से आंसर एक्सपेक्टेड है यार, ऐसे मत करो, सारी मेहनत का आप बैंड बजा के रख देंगे तो कैसे काम चलेगा। ज़्यादा लोगों से आंसर एक्सपेक्टेड है, थोड़ा अपने श्री मुख से कुछ निकालिए, आपको भी अच्छा लगेगा हमें भी अच्छा लगेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ जी आप लोगों में से कितने लोग आए आंसर, देखिए पिछला क्वेश्चन है भाई, ये बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है, और ये नहीं हुआ तो फिर तो दिल तोड़ने वाली बात है। यस देवाशीष, धनराज, दिलीप, आप लोग सोचते हैं, यस हाँ जी स्टूडेंट सोचते हैं किसी बुक में मिल जाए ये सब, यहाँ मिल जाए वहाँ मिल जाए, अरे तुम्हें एग्जाम के इतने क्वेश्चंस करा दिए, एसी की प्रैक्टिस करो ना बैठ के, क्यों भटक रहे हो यहाँ वहाँ, इतने सारे क्वेश्चन हो गए कवर भी नहीं होंगे आपसे, वो भी सारे एग्जाम के ऑथेंटिक, बुक में मिलेगा लेकिन इस तरीके से थोड़ी ना मिलेगा, इस तरह से तो कोई बुक ही लिखनी पड़ेगी। खैर डन,
ठहरिए, 23 का ही करा देते हैं आपको, रुको। ठहरो भाई ठहरो, ये भी कर लीजिएगा, अच्छा आसान है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, सिंपल, दिस शुड बी सिंपल। टी एक्स इज साइन एक्स, टी एज ट्रेस है, टी एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस वन, टी पी एक्स इज पी वन। इस बार का क्वेश्चन है, सी ओके okay. कर लो, पूरा कर लो, पूरा कर लो, ऑल ऑफ यू, आप लोग पूरा कीजिए। सम प्रॉपर्टी एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हाँ जी, विल इट फॉलो सम प्रॉपर्टी, तो शक्ल से दिख रहा है। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस साइन वाई थोड़ा ना होता है, फिर उसमें क्या एग्जामिन करना है आपको भाई? आपको ये चीज़ चाहिए ना, टी ऑफ ए प्लस बी, ये टी ए प्लस टी बी आ जाए भाई। ये तो तभी होगा जब आपका 11वीं 12वीं क्लास का सारा पढ़ावा उलट पलट जाएगा, वो तो उलट पलट सकता नहीं।
तो ये साइन ए प्लस बी है एंड दिस शुड बी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, साइन ए प्लस साइन बी। क्या ऐसा फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो हटाओ उसको, ट्रेस ए कर लीजिए, सम प्रॉपर्टी एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यस, व्हाट इज टी ऑफ ए प्लस बी, सॉरी ट्रेस ऑफ सम, बट ट्रेस ऑफ सम इज सम ऑफ ट्रेस, है ना? ऐसे ही होता है, अगर शंका दुविधा हुआ करे तो बगल में देख लिया करो, साइड में देखो जरा, क्या कितना टाइम लग जाएगा इसमें, कुछ लगेगा थोड़े ना। कुछ भी लिख दीजिए, लेट मी राइट। यहाँ क्या आएगा इसके इसके ट्रेस के लिए, ए प्लस एक्स प्लीज बी प्लस वाई सी प्लस जेड, है ना? ठीक है ना, ट्रेस ऑफ ए इज ए प्लस बी प्लस सी, ट्रेस ऑफ बी इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड। व्हाट इज ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, दिख तो रहे सब सब, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी। तो ये तो आ गया आपका टी ए प्लस टी बी, ये हो गया आपका सम प्रॉपर्टी। अब आइए स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अगर आप इस मैट्रिक्स को अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा डायगनल में मल्टीप्लाई होगा, सब जगह होगा, डायगनल में भी होगा, आप ही बता दो जी। कैन वी से ट्रेस ऑफ, कैन वी से ट्रेस ऑफ अल्फा है, दैट इज नथिंग बट अल्फा टाइम्स ट्रेस है। अरे बोलो बाबा, ये फॉर्मूले की तरह क्या याद करना है, ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं आप क्या? अल्फा ए प्लस अल्फा बी प्लस अल्फा सी कैन बी रिटन एज अल्फा टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, तो यही बन गया, ले लीजिए तो आ गया आराम से। हाँ जी, थर्ड वाई जीरो गोज टू जीरो नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा है आपको, बोला था एनी कांस्टेंट अदर देन जीरो नजर आए तो भैया तुम्हारे लिए खतरे की घंटी है। टी ऑफ जीरो जीरो इज वन विच इज नॉट जीरो, तो ये नहीं हो सकता। लास्ट वाले किया आप लोगों ने, वही दिया हुआ है भाई, वो जो लिखा है ना बिल्कुल बिल्कुल ठीक लिखा है, ना डेरिवेटिव है ना कुछ है। पी वन का मतलब होता है सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, किसी भी पॉलीनोमियल में पी जीरो कॉन्स्टेंट टर्म, पी वन सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, पी वन देखिए जरा सामने, अब देख भी लो यहाँ। Therefore, and इसको अगर आप एफ एक्स को ओपन करेंगे, यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर, ये आपका एफ एक्स है। अगर ये आपका एफ एक्स है तो एफ वन कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब दिखाने के लिए खाली। हाँ जी, नाउ सम प्रॉपर्टी एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन आराम से हो जाएगा। क्या परेशानी है, F1 को सेपरेटली लिख दीजिए, G1 को जैसे भी करिए, सब टू यू, कोई इशू ही नहीं आएगा। इशू आ रहा है यानी कि यानी वानी छोड़ो। इसी तरीके से व्हाट इज टी ऑफ अल्फा टाइम्स, ये ऐसी चीजें नहीं छोड़ी जाती एग्जाम में, तो मूर्खता है। अल्फा टाइम्स F1, इसको कुछ मान लो, इसको मान लीजिए आपने थोड़ी देर के लिए पी एक्स ही मान लिया होता तो इसका आंसर पी वन आता। पी एक्स अगर इतना है तो पी वन कितना है, अल्फा टाइम्स एफ वन, एफ वन को सेपरेटली लिख दीजिए। तो वो कभी किया ही नहीं आपने, कितना ही पढ़ा दो तुम लोगों को, बस मन ही आवा दौड़ता रहता है। सी सम प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ी जाती, नहीं छोड़नी थी, कहाँ गया फोर्थ भी करेक्ट, इसमें राइट आंसर आपका सेकेंड है और फोर्थ है, सेकेंड एंड फोर्थ। जीरो जीरो क्या होता है, पॉलिनोमियल जीरो क्या होता है, इन विच एवरी कोएफिशिएंट इज जीरो, जीरो ही आएगा। अल्फा बीटा गामा अगर जीरो होगा तो जीरो ही तो आएगा, एक्स थोड़ा ना जीरो, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, कोएफिशिएंट जीरो होने चाहिए ना, एक्स थोड़ा ना जीरो होगा। हाँ जी, ये चेक करना है आ रहा है नहीं आ रहा। सो कंसिडर टी ऑफ जीरो ऑफ पी टू, है ना, ऐसे ही बनेगा। इसका आंसर बताइए, ये आपको बताया तो कोएफिशिएंट्स का सम लिखना है, यहाँ के कोएफिशिएंट्स का सम कितना आ रहा है भाई, आ तो क्या इशू है,
जीरो जीरो पे जा रहे हैं, सब कुछ आ गया आपके पास, यू हैव एवरीथिंग। अरे बैटिंग वैटिंग शुरू हुई है नहीं? आए अच्छा ठीक है इस पे ध्यान मत छोड़ो। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अरे किधर हो भाई, इधर हो या उधर हो? इधर ही रहना चाहिए आपको। मैं थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप निकालिएगा भी, ये तो निकालने वाली चीज़ है। ठीक है भाई, इधर ध्यान लगाइए क्या कह रहे हैं। प्लीज सी, दे आर सेइंग कोई भी पॉलीनोमियल यहाँ लिखी है एफ एक्स में, तो वो उसका जो इमेज आएगा वो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर आपने लिख दिया टी ऑफ टू प्लस थ्री एक्स, मान लो ये लिखा, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आपको एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, वॉट इज टी ऑफ हाँ जी, जहां जहां एक्स था वहां वहां एक्स स्क्वायर लिखना है आपको, बताइए जरा क्या आएगा। थ्री प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स फोर, एट एक्स फोर। अब जरा ध्यान दो, ये आपको ध्यान देना चाहिए आप सबको। द थिंग इज, छोटा सा पॉइंट है भाई, ये दिस इज अ मेंबर ऑफ पी टू, क्योंकि डिग्री एटमोस्ट टू है, बट दिस इज अ मेंबर ऑफ पी फोर, तो यहाँ वैसे कायदे से पी फोर लिखना चाहिए, तो उन्होंने पी फोर ना लिख करके पी आर लिख दिया। बढ़िया, क्या क्या इशू है, क्या इशू है? पी फोर तो कंटेंट होगा ना पी फाइव में, पी फाइव कंटेंट होगा पी सिक्स में, और सारे पॉलीनोमियल्स में तो कंटेंट है। समझ में आ गया आप लोगों को, तो क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है, आप निकालिए। रैंक निकालिए, जैसे भी निकालिए, जो करिए करिए करिए, लेकिन You can use rank nullity theorem, you can use matrix of a linear transformation, matrix निकाल के सीधे सीधे rank निकल गया। लेकिन भाई करके दो question, देखो अच्छा नहीं लगता, मेहनत जब इधर से हो रही है तो आपकी तरफ से भी होना चाहिए कुछ। Okay. मैट्रिक्स निकाल के कर लीजिए, फोर क्रॉस फोर का बनेगा, कोई बात नहीं, फोर क्रॉस टू जो भी है वट एवर।
क्या किया? कुछ भी नहीं किया। एंटी निकाल के देखते हैं। मैट्रिक्स बना, बड़ा लंबा चौड़ा बन रहा होगा या छोटा बना है मैट्रिक्स? ये बना ही नहीं। छोड़ो फिर, रहने दो। एंटी निकाल के देखते हैं, ट्राई तो मारना है। एंटी यानी दोज एफ एक्स वेयर टी ऑफ एफ एक्स इज जीरो। ये पॉलिनोमियल का जीरो तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सो दिस इज इक्वल टू दोज अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर। हाँ जी, इसमें x की जगह x स्क्वायर रखेंगे तो क्या बनेगा बोलिए? अल्फा प्लस बीटा x स्क्वायर प्लस गामा, है ना? ये अभी आपको समझाया भी था भाई। टी ओ एफ एक्स कितना? एफ एक्स स्क्वायर। अब एक ही चीज़ बार बार लिखोगे तो लो भाई लिख देते हैं। दिस इज दोज एफ एक्स वेयर, आवाज़ नहीं निकलती आप लोगों की। अब ठीक है, एफ एक्स की जगह लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर। हाँ जी, जीरो पॉलिनोमियल्स लिख दो जितना लिखना है। जीरो प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस, अब तो जितनी डिग्री है ले जाइए। दिस इज जीरो पॉलिनोमियल्स, कंपेयर करिए। ये ज़्यादा आसान निकला मैट्रिक्स के मुकाबले। अरे कंपेयर करो बाबा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू कितना आ गया? जीरो। लीजिए तो जीरो बन गया, अब समझ ही गए। तो दिस इज, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जीरो से। तो एन टी जीरो एन ए डायमेंशन ऑफ एन टी जीरो एंड रैंक नलिटी थ्योरम विल हैव इट्स शेयर। सो डायमेंशन ऑफ एन टी प्लस डायमेंशन ऑफ आर टी निकालना है इज इक्वल टू कितना है? ये रहा ना रैंक नलिटी थ्योरम। ये तो जीरो है, ये आपको निकालना है, इसी को तो रैंक कहते हैं। सो आ गया बस, सिंपल। ज़्यादा बेटर था मैट्रिक्स के मुकाबले, ज़्यादा ठीक था। ये जीरो जीरो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट में, जीरो ऑफ द अंडरलाइंग स्पेस। ये सारी रेडी फॉर नेक्स्ट?
11111 1232 2564 2685 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
तीन आएगा ना रैंक। द हेल्प ऑफ थर्ड यू हैव फोर्थ गया। हाँ जी दिस 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 अब तीन कॉलम से अलग है, पहले तीन कॉलम से अलग है, इसको माइनस टू से स्केल कर लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर आ जाएगी। एक्लेन फॉर्म बहुत अच्छी चीज़ है, हर चीज़ तो उसी से हो रही है, कब आप आत्मसात करेंगे इन चीज़ों को। कब करोगे? फर्स्ट थ्री कॉलम सर है लाइक तो रैंक इज थ्री। आप लोगों का आ गया सबका थ्री? ओके ये करिए जरा।
देखो अभी आपको क्लासेस की याद आएगी। क्वेश्चन का टाइप देख के कुछ याद आ रहा है या कोई टाइप का क्वेश्चन याद आ रहा है आप लोगों को? क्या याद आ रहा है कोई क्लास में बोलने वाला? तो बोल दो, देवशीष, धनराज, दिलीप कुमार, सलोनी, विशु, संयम, रिदम। किसको किसमें एक्सप्रेस करना है? करना तो पड़ेगा, है ना? वही क्वेश्चन है। इनको लगता है एलटी आता ही नहीं स्टैट्स में। देख लो भैया, अच्छे से देख लो। कभी कभी आता है, लेकिन आता है तो आना ही है। ओके, किसको किसने एक्सप्रेस करना है पहले अपने आप से पूछो। आई थिंक वी हैव टू एक्सप्रेस अननोन इन टर्म्स ऑफ नोन। 111 को इनमें एक्सप्रेस करना है, तो अल्फाबेट गामा ले लीजिए, नहीं तो मैट्रिक्स करके कर लीजिएगा। मैट्रिक्स में भी कर सकते हैं। जिसको बाकियों में एक्सप्रेस करना है उसको लास्ट में लिखिए। भाई जरा देखिए, आप समझना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। Yes, look at the last column. Is last column obtainable from first three? Yes. यहाँ 4 multiply करो, उसमें 3 करो, उसमें 2 करो और add कर दो। तो ये last वाला इन सबसे obtainable है। तो अगर आप 111 को इनका combination बनाना चाहते हैं तो matrix form में लिख के कर लीजिए, नहीं तो alpha beta gamma लेके भी हो जाता। हमने जो class में किया है उसमें ये किया ना, 111 equal to alpha times क्या है आपका 110 plus beta times। अरे ऐसे करते हैं, ये भी हो जाता, मना थोड़े ना है, शायद बड़े आराम से आते। मना नहीं करूँगा उसके लिए, मैट्रिक्स में थोड़ा सामने हो जाता है। तो पहला आपने लिखा 110, ये पहला है फर्स्ट वेक्टर, देन 101, देन 011, और हम चाहते हैं लास्ट वाले को इसमें एक्सप्रेस करो। बताओ ज़रा, सब जगह तो एकलन फॉर्म ही घुसा हुआ है, हमने अब तक नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, एग्ज़ाम के बाद पढ़ लेना, पढ़ना तो पड़ेगा, ईजी ऐसी है। जी, 0 -1 1 0, इसका तो कुछ होगा नहीं। अब देख लीजिए, यहाँ पे पूरा ही कर लेते हैं। सो ये डन है आपका 1 1 0 1। यस, इसके हेल्प से ये 0 हो ही जाएगा, ऐड करने खाली। ये 2 आ गया आपका, यहाँ 2 है ना, ठीक है, और ये 1 ही रहेगा। लास्ट वाले को स्केल, इसको भी स्केल कर लीजिए, इसको भी स्केल कर लीजिए मन से। अच्छा, अभी बैकवर्ड भी चलना है, चलना है भाई, चलना पड़ेगा, बहुत काम करना है। कोई बात नहीं, पहले इसको 1 से स्केल करते हैं, इधर भी और इधर भी 1 बना दीजिए। दिस इज 1 1 0 1, यस 0 1 -1 0, लास्ट में क्या आएगा 0 0 1 1/2, इज इट ओके? ये जो नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं, अभी आप ये नहीं बोल सकते कि लास्ट वाला कितना मल्टीप्लाई करके आएगा, क्योंकि ये परेशान करेगा आपको। तो ये जैसे डाउनवर्ड 0 क्रिएट किया, वैसे अपवर्ड 0 क्रिएट करेंगे, तब जाके क्लैरिटी आएगी, बड़े आराम से देगी। जी, विद द हेल्प ऑफ दिस इसको 0 बनाना है, ऐड करना पड़ेगा। कर देते हैं भाई, एक स्टेप और लिख देते हैं, 1 1 0 1। ये भाई पूरा कम्प्लीट पैकेज है, आपने अब तक नहीं किया, आपकी गलती। 0 1 0 1/2, ज़रा चेक कर लो,
जीरो वन जीरो हाफ, ठीक है, जीरो जीरो वन हाफ। हाँ जी, वन लास्ट थिंग, इसका तो काम हो गया, अब इसके हेल्प से इसको जीरो बनाना है, माइनस करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, वन माइनस वन। हाँ जी, व्हाट इज वन माइनस हाफ इज हाफ, बाकी कोई चेंज नहीं, जीरो वन जीरो जीरो वन वन बाई टू, ठीक है ना, सही है, अगर हमारा कैलकुलेशन ठीक है तो। हाँ जी, लुक एट द लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम पहले वाले तीन में कितना 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 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ भाई, हाफ टाइम्स फर्स्ट प्लस हाफ टाइम्स सेकंड प्लस हाफ टाइम्स थर्ड, तो दिस वेल यू कैन सी क्या कह रहा हूँ मैं, टी वन वन निकालना था भाई, देखो तो जरा सा, अगर आप अपना कैलकुलेशन ठीक है, अपना मतलब आपको और हमारा, सो देयर फोर वन 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 इक्वल टू हाफ टाइम्स पहला वेक्टर, हाफ टाइम्स दूसरा वेक्टर, हाफ टाइम्स तीसरा वेक्टर, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट इज टी ऑफ वन वन वन, वेल टी ऑफ दिस होल थिंग, बट टी तो लीनियर है, तो हाफ टाइम्स टी ऑफ फर्स्ट प्लस हाफ टाइम्स टी ऑफ सेकेंड प्लस हाफ टाइम्स टी ऑफ, ठीक है ना, सो दिस इज हाफ टाइम्स टी ऑफ फर्स्ट, कितना है आपका 2000, बस अब कर लीजिए आंसर निकालिए, अब क्यों बैठे हैं, सी आएगा, हाफ ही आया था ना, वैसे भी अल्फा बीटा गामा से किया था तो भी हाफ ही आएगा, वन यहाँ से वन यहाँ से और ये क्या है, सही है ना, जीरो यहाँ से, सो टू जीरो टू यहाँ भी टू जीरो जीरो वन जीरो जीरो जीरो, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये भी इसी इजी क्वेश्चन ही बोलेंगे इसको, देखने में डर लग रहा था मैंने, येस ऑल ऑफ यू, दो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, एक जैसे हैं टेस्ट फ्लेवर, पहले दोनों ट्राई कर लीजिए, देन दोनों साथ में हो जाएंगे। जस्ट ट्राई, पूरा हो ना हो कोई बात नहीं, मैंने बोला दो एक जैसे क्वेश्चंस हैं, यू शुड ट्राई।
बस सिर्फ ट्राई करना है, अगेन गलत सही मैटर नहीं करेगा अभी। ठीक है कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन अभी होंगे। प्लीज लीव द प्रीवियस क्वेश्चन। देखिए कुछ अपने आप ही नेचुरली निकल के आएगा आपके अंदर से। सही सुन रहे हैं आप, अगर आप ठीक से ट्राई करेंगे तो साफ मन के साथ। कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बेहतर तरीके से टैकल किया जा सकता है। दोनों एक जैसे ही हैं। करिए ट्राई कीजिए, मुझे सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं। सर लास्ट क्वेश्चन आई इंपोर्टेंट, देखेंगे अभी लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आते हैं वो भी ऑप्शन हो सकता है। इसको ट्राई कीजिए। अब तो कुछ नहीं हो गया ना। आई राम
रन कितने हो गए? तेज तो खेलना ही पड़ेगा। प्लान करके आए ना। चलो आप लोग प्लान करो। पूरा स्ट्रेटजी बना के आए हैं पूरा घेरने की। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू पीपल ट्राइंग? ये दो क्वेश्चन, हाँ जी दो क्वेश्चन आपको एक संदेश देके जाएंगे, फिर ट्राई कीजिए जरा, लगिए लगिए इस पे, कुछ आपके अंदर से ही निकलेगा। देखो ये जो क्वेश्चन है, अगर आपने ट्राई किया तो दिस क्वेश्चन एंड प्रीवियस क्वेश्चन, इसमें एम कोई भी नॉन जीरो एन क्रॉस एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहाँ एम ऐसा है जिसके कॉलम्स जो हैं आपके मतलब इस तरीके से लेने हैं कि ऑर्थोगोनल बन जाए। तो भाई दोनों क्वेश्चन आपको ये बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स एम चूज़ करके देख लीजिए। वैसे तो ये आप सोच रहे हो कोई रिजल्ट लगा दें, ये लगा कुछ नहीं, दोनों में चूज़ कर लीजिए, जस्ट वेट। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कोई सड़क पर पड़ा हुआ तो मिलेगा नहीं, अरे भाई सिंपलेस्ट पॉसिबल चॉइस ले लीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? उसने बोला एम इज़ नॉन आइडेंटिटी, नहीं नहीं बोला तो लो ना, फिर किसका इंतजार कर रहे हो आप? जरा ध्यान लगाओ इधर आप सब लोग, कैन आई चूज एम टू बी, एवरीवन आईज ऑन द बोर्ड प्लीज, क्या ये एम गिवन क्वेश्चन की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है 100%? क्या इशू है? दिस इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, बढ़िया। अब देखते हैं क्यू, व्हाट इज क्यू? क्यू इज एक्स एक्स ट्रांसपोज, साथ आई है कोई बात नहीं, प्लस इसके बारे में पूछ रहा था। हाँ जी एक्स एक्स ट्रांसपोज का मतलब अगर एक्स ऐसे लिखा है तो उसका ट्रांसपोज आपको हॉरिजॉन्टल लिखना पड़ेगा। अब सर मल्टीप्लाई, अरे तुम ही करोगे मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई, सामने देखते रहिए प्लीज ऑल ऑफ यू। तो दिस इनटू दिस, ये क्या है? थ्री क्रॉस वन, थ्री रोज वन, और ये वन क्रॉस थ्री, तो ये थ्री क्रॉस थ्री बन जाए, कोई बात नहीं आराम से हो जाएगा, चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इधर चेक कर लीजिए, एंट्रीज हमने ऐसे लिए कि मल्टीप्लाई करने में भी क्या तकलीफ है। हाँ जी जब दोनों को ऐड किया तो क्या, यहाँ लेट मी राइट हियर, क्या था ये? देयरफॉर व्हाट इज क्यू, कितना बना? 1 0 0 0 1 0, लेकिन लास्ट में क्या है? अब देख लो ये जो क्यू है, इज इट स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल तो जीरो होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक में तो डायगोनल जीरो होना चाहिए, बकवास। हाँ जी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है आपको ग्रीन, मुझे तो नहीं दिख रहा, सेटिस्फाई। अब ये करके देख लेते हैं, यस व्हाट इज क्यू का स्क्वायर, अरे इसका डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर यानी डायगोनल एंट्रीज का स्क्वायर सेम आएगा। अभी अभी जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट, ये तो हो गया, चलो अभी मैं राइट नहीं लगा रही, हमारे चॉइस के हिसाब से हुआ, क्या पता और भी हो जाए। लास्ट वाला देखते हैं, क्यू जेड, व्हाट इज क्यू जेड? क्यू अलॉन्ग विद जेड, यानी क्यू आपके सामने है, इसमें आपको जेड यानी तीसरे वाला जो जो कॉलम लिया था वो मल्टीप्लाई करना है, देखें जरा क्या आएगा। 1 0 0, सॉरी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 0 1 0 जीरो जीरो जीरो, किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? जेड के साथ, व्हाट इज जेड? हाँ कर लो मल्टीप्लाई, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, समझ में आ गया, ये तो जेड नहीं है, मतलब ये भी गलत है। अब हो गया पक्का, क्या सही होगा देख लिया आप लोगों ने, ये ऐसे करना है कि सच में ऐसे ही करना है, कोई घर पे जाके कोई और चॉइस करके देखिएगा, मतलब लेके देखिएगा कुछ और एम अच्छा सा सिंपल सा, पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही हुआ, कोई रिजल्ट वगैरह थोड़े ना होते हैं, रिजल्ट बेस्ड चीज़ें बहुत कम आती हैं, एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा आती है कि उस वक्त कौन क्या सोच सकता है। आपको इतने क्वेश्चन अलग अलग तरह के करा दिए गए हैं, कुछ और करने की ना तुम्हारे पास टाइम है ना तुमसे हो पाएगा, ये क्वेश्चन ही पकड़ के रखिए, इन्हीं को करते रहिए अगेन एंड अगेन, और चाहिए प्रीवियस लेक्चर्स देखते रहिए, और चाहिए लास्ट ईयर के लेक्चर्स देख लो, सब कुछ अवेलेबल है, शिकायतें करने से क्या होगा।
इसी बार इतना ज्यादा करा दिया मैंने जितना मैंने पहले नहीं कराया था, या डिफरेंट कह सकते हैं, अगर पहले कराया भी होगा तो अलग कराया होगा। सिंपल चॉइसेस रखा कीजिए, कॉम्प्लिकेटेड चॉइस का क्या मतलब, कोई और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देख लेना हो जाएगा। यस आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट? ये क्या, जस्ट वेट, क्या लिखा है यहाँ पे, ऑल ऑफ यू क्या लिखा है भाई? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एक बच्चे ने बोल दिया ऑर्थोगोनल, बाकी बताइए क्या लिखा है। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है यहाँ आपको? आई थिंक मेट्रिसेस की शुरू की 4-5 क्लासेस में भर भर के कराए गए हैं। परम्यूटेशन मैट्रिक्स ले लो यार, कोई भी ले लो ना, क्या क्या इशू है? एनी परम्यूटेशन मैट्रिक्स विल वर्क, एनी, घर पर बैठ के करके देखना उसको। एम की जगह परम्यूटेशन मैट्रिक्स, लेट बी अ परम्यूटेशन, ये भी चल जाएगा। इज इट ओके? ये करके देख लीजिए। अगर देखिए, ये हमने बाई चांस पहले शॉट में ही काम हो गया हमारा कि एम ऐसा लिया और 4 में से 3 ऑप्शंस गलत हो गए, ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, कि आपने मान लीजिए ये मैट्रिक्स लिया। भैया ज़रा देखो यहाँ, ये भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, बिकॉज परम्यूटेशन मैट्रिक्स है तो ऑर्थोगोनल होगा, तो ऐसा हो सकता है कि इसके साथ अगर आप ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं तो 2 चले जाएंगे, 2 रह जाएंगे, मतलब ऐसा लगेगा कि 2 सही हैं, फिर कोई और एम लेके करिएगा, हट जाएगा, अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन बचेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये सही तरीका है क्वेश्चन करने का। अब उन्होंने दिए ही ऐसे भाई, उन्होंने कुछ बोला थोड़ी ना, सवाल मैट्रिक्स ही कह रहे हो ऑर्थोगोनल लेने के लिए, ले लीजिए, आपके पास तो भंडार है पूरा। अब क्या करना है यहाँ पे, थोड़ा अपने दिल की आवाज़ सुनाइए, एम को क्या लेना है? नॉन जीरोस की सिमेट्रिक मैट्रिक्स, शुरू की क्लासेस में आपको पहचान कराई गई थी। जस्ट वेट, अगर 3x3 लेंगे तो भैया यहाँ तो पहले 0 लिखना पड़ेगा। देखो पहले इधर, एक्स देन माइनस एक्स, वाई देन जेड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नहीं लेना 3x3, नहीं ले रहे हैं, 2x2 ले लीजिए यार, किसने रोका है आपको? इससे सिंपल कुछ होगा, 0 है नॉन 0 है, तो ए नॉन जीरो, लेट इट बी दिस, करना जरा इसको लेके करना क्वेश्चन, आराम से देगा करो, बैठे क्या हो, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, बट आपको चीज़ें दिखानी ज़रूरी हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन करके कुछ तो समझ में आएगा कि एग्ज़ाम में अगर इस बार इस तरह का क्वेश्चन आया तो क्या करना। प्लीज़ डू ऑल ऑफ यू अपना ऑप्शन, ये कहाँ से सिमेट्रिक है? अच्छा ये, एक सेकेंड, ये वाला मेट्रिक, हाँ ठीक है ठीक, मे बी आई डोंट नो, मे बी कोई रिजल्ट वगैरह नहीं लग रहा है यहाँ पे, सेंस लग रहा है, सच में सेंस लग रहा है। अब तो कोई दुख भरी खबर नहीं है ना भाई है? एग्जैक्ट चीज सामने आ जाएगी, और क्या चाहिए हमें?
ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये आ गया आपका 0 -1 1 0 यही बना यस। इसका डिटरमिनेंट लीजिए तो नॉन जीरो आ रहा है तो दिस इज इनवर्टिबल। वो कह रहे नहीं इनवर्टिबल नहीं होना चाहिए, झूठ। सिमेट्रिक, इज इट सिमेट्रिक? ये तो सिमेट्रिक नहीं है, जो इधर है वो इधर होना चाहिए, सिमेट्रिक भी नहीं है जी। ऑर्थोगोनल, आइडमपोटेंट भी नहीं आएगा ये, ऑर्थोगोनल है। अरे ये ट्रांसपोज मतलब इसका इसके साथ ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करके बताइए ना क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मल्टीप्लाई आपने ठीक से किया है तो ऑर्थोगोनल ही आएगा। और बचा क्या है, अब काय टेंशन ले रहे हो, तो नहीं आ रहा है ना, आइडेंटिटी आएगा 100% आएगा, डोंट वरी। बस ऐसे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। तो इस बार अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है मैथ्स में या स्टैट्स में, कुछ भी उन्होंने कंडीशन दे दी कि एम ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, सिंपलेस्ट पॉसिबल चॉइस, काम खत्म। 10 मिनट पहले तो दोनों में से कोई भी नहीं हो रहा था, अब थोड़ी हालत ठीक है। ओके रेडी फॉर नेक्स्ट? यस स्टूडेंट, आर यू रेडी? यस। ये आइडिया ध्यान रखिएगा, आगे भी आएगा, आगे भी आएगा। आगे भी आएगा। ये लो फिर आ गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सिलेबस में ही नहीं है, नया सिलेबस आया है आपके खतरनाक दिमाग की उपज। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, एलटी तो पूछ रहे हैं, फिर बता दीजिए ना। कर लीजिए बाकी।
फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ है एडिशन। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बस जीरो को जीरो पे लेके नहीं जा रहा है, बाकी सब ठीक है, सम भी हो जाएगा स्केलर भी हो जाएगा, कोई इशू ही नहीं है, ये तो रिफ्लेक्शन जैसे काम कर रहा है ना, एक्स वाई वाई एक्स रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द लाइन वाई इक्वल टू एक्स कह सकते हैं आप एक तरह से। हाँ जी पहले वाला कर लिया आप लोगों ने, हो जाएगा ना सम प्रॉपर्टी, अब बस ठीक है कर लेना, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है डन डन, ये लास्ट वाले बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी ने आंसर नहीं किया? ओके वैसे क्वेश्चन यही पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलटी, बाकी तो ऐसी मेहनत करा रहे थे आप लोगों से। चलो आगे चलो, भाई देखो ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, अब थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। बड़े आराम से हो जाएगा, चलिए निकलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर। रोनी यस रोनी थोड़ा आजकल रैंक नल स्पेस रैंक नल टी सब चल ही रहा है। आइए जरा यस भाई देखो, छोड़ो सब कुछ, अगर आपने डिटरमिनेंट एन क्रॉस एन तो ये ले लो, चलो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो जीरो है, और रैंक कितना है टू, सो वो कह रहे नहीं अगर डिटरमिनेंट जीरो हुआ एन क्रॉस एन का तो रैंक एन माइनस वन भी नहीं होगा एन माइनस टू, यानी ही सेइंग इफ द डिटरमिनेंट ऑफ अ थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है जीरो देन उसका रैंक जो है वन या वन से कम होगा, नहीं इसका रैंक तो टू है, पहला ऑप्शन गलत। हाँ जी गिवन मैट्रिक्स का ट्रेस देख सकते हैं, बकवास, जीरो तो आइजन वैल्यू है ही जो दिख रहा है, लास्ट वाला समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, आएगा सब समझ में आएगा, कोई बात नहीं सब समझ में आएगा, थोड़ी इसको यस आइए जरा, डिटरमिनेंट जीरो है एन क्रॉस एन, भाई जरा ध्यान दो जरा, डिटरमिनेंट ऑफ ए एन क्रॉस एन इज जीरो, डिटरमिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज, सो लैम्डा वन लैम्डा टू डॉट 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 लैम्डा एन इज जीरो, ऑल आर जीरो या एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन तो ये तो पक्का है। हाँ जी अब रही बात रैंक की, वो तो आपने आपको दिखा दिया गया था, तो ये गिवन स्टेटमेंट से आप सिर्फ ये निकाल सकते हैं,
आगे देखिए, पहले दूसरे तीसरे में तो फिर भी क्लैरिटी है, चौथा जो समझ में नहीं आ रहा, मैंने आपको बोला था रैंक नलिटी से बहुत कुछ चल रहा है आजकल। वो चौथे वाले में क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक्स इक्वल टू जीरो इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स जीरो। क्या फोर्थ वाले वाले का ये मीनिंग है, गिवन दैट जब जब ए एक्स जीरो होगा तब तब एक्स जीरो होगा, यही बोल रहे हैं। हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए एक्स, थोड़ा शर्म करिए क्योंकि आजकल यही चल रहा है, एक्स बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ ए। हाँ बिल्कुल, दिस इम्प्लाइज एक्स इज जीरो। जरा देखना ध्यान से जी, जो भी एलिमेंट नल स्पेस में है वो क्या है, जीरो। तो नल स्पेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो जीरो स्पेस हो जाएगा। अगर नल स्पेस आपका जीरो स्पेस हो गया तो नलिटी कितनी हो गई, अब बोलो बाबा, डायमेंशन इसका जीरो, रैंक नलिटी लगाइए। सो रैंक ए प्लस नलिटी है इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो एनी, ये बेचारा जीरो है, इसका तो रैंक एन आ गया। अगर इसका रैंक एन आ गया तो इसका तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए था। आपको बात समझ में आ गई, अब इतने के बाद भी समझ में नहीं आएगी बात तो कब आएगी, ये तो उन्होंने जीरो बोला है। सो दिस गिव्स यू अ कॉन्ट्रडिक्शन। लास्ट वाला पार्ट बकवास, क्लियर हो गया आपको, करिए पूरा करिए। अगर किसी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है तो उसका रैंक एन नहीं हो सकता, बट पिछला तो हो ही सकता है ना, फाइव रैंक नहीं होगा तो फोर तो हो सकता है, ये थोड़ा ना फाइव रैंक नहीं होगा तो सीधा जाके थ्री बोल रहे हैं, नहीं, गलत है। डिटरमिनेंट इज जीरो बट वहाँ से ट्रेस थोड़ा ना जीरो हो जाता है, वो आपको एग्जाम्पल लगे बता दिया गया, इसमें थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। हाँ जी, गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ नो न्यूज़, ओके। डन, यस सर। अच्छा जी, जरा ये क्वेश्चन करिए, क्या हो गया भाई, किस पे गुस्सा निकाल रहे हो, नहीं
नहीं ना मोबाइल तो नहीं पटक दिया। करिए करिए। ओके सेवन या माइनस सेवन चेक करो आप सब। एक्स प्लस वाई प्लस टू टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड इज फाइव माइनस सेवन फोर एक्स प्लस सेवन वाई प्लस थ्री जेड इज सिक्स माइनस सेवन है। यस सर माइनस सेवन। Heckland Farm will win the race. उसके बिना आपका गुजारा नहीं होगा। ये भाई जरा चेक करिए एंट्रेंस ठीक है ना। लेट मी चेक। टू टाइम्स जीरो थ्री माइनस टू वन माइनस फाइव ठीक है फाइव माइनस फोर वन ठीक है ओके फाइन। इसके हेल्प से इसको जीरो बनाना है। थ्री टाइम्स माइनस करना पड़ेगा। थ्री टाइम्स जैसे करेंगे तो सी माइनस एट प्लस फिफ्टीन है सी प्लस सेवन यही आया होगा यानी यहाँ माइनस फाइव। अब आइए देखिए भाई वो ये चेंज नहीं हो सकता। दिस कैन नॉट बी चेंज दिस कैन नॉट बी चेंज। तो ये आपको दिख ही रहा है आप सबको कि रैंक ऑफ ए कूलन बी ए बाई बी वो तो तीन ही है उसको तो कोई हिला ही नहीं सकता तो ये मैक्सिमम आ गया। बट व्हाट अबाउट रैंक ऑफ ए वो दो भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है। रैंक ऑफ ए अंदर वाला पोर्शन दो कब होगा जब यहाँ ज़ीरो हो जाएगा तीन कब रहेगा तो वो बहुत कुछ पूछ सकते थे आपसे। हाँ जी क्या पूछ रहे हैं भाई साहब। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब इसका रैंक इसके रैंक के बराबर नहीं आना चाहिए। कब आएगा जब सी कितना हो जाएगा माइनस सेवन सी इज माइनस सेवन इज द आंसर। डन। हाँ जी रेडी फॉर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। ज़्यादा ही अच्छा समझ रहे हैं ना। चलिए करिए। क्या कह रहे हो कुछ देखो गलत गलत खबर मत सुनाओ भाई।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए। नाइस 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 क्वेश्चन, आराम से नहीं निकलेगा, जब निकलेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। नाइस क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन। सो ऑप्शन वन। ऑप्शन वन, और भी ऑप्शंस हैं, ओपन है। अब छोड़ भी दो। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में क्या है, खैर आपको अपनी नज़रें बदलनी पड़ेंगी क्वेश्चन करने के लिए थोड़ी देर के लिए। यस, पी आपका मैट्रिक्स है, पी की जगह अगर कैपिटल ए होता तो सारा कैपिटल ए में हो जाता। अब ज़रा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैट्रिक्स पॉलीनोमियल है या मैट्रिक्स इक्वेशन कह लीजिए भाई, वो लगेगा तो यहाँ केली हैमिल्टन थ्योरम ही, कुछ और लग ही नहीं सकता। व्हाट इज़ केली हैमिल्टन थ्योरम, याद है आप लोगों को? आपको बताया था। कोई भी मैट्रिक्स के लिए, अगर ये आपका कोई भी मैट्रिक्स है, एनी मैट्रिक्स, कब कब आप केली हैमिल्टन थ्योरम यूज़ कर सकते हैं? यस, वेन एवर देर इज़ अ पॉलीनोमियल इन ए, या तुम्हारे नोटबुक में लिखा होगा, या अगर आपको ए इनवर्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए। कुछ याद आया आप लोगों को? हाँ, तो यहाँ देख सकते हैं, तो पूरी तरह पॉलीनोमियल ए या पी जो भी है तो केली हैमिल्टन थ्योरम से ही होगा, कुछ और बना ही नहीं दुनिया में। अब केली हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल लेके आइए, और इसको ए को इसमें डालिए तो जीरो हो जाएगा। ये तो पता है आप लोगों को? हेलो, यू नो दिस? सो फॉर दिस वी नीड केली हैमिल्टन थ्योरम, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल। फॉर कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल वी नीड आइजन वैल्यूज। जरा मैट्रिक्स की साइज देख के बताइए कितना है, 4x4 या 3x3? तो वी नीड अल्फा बीटा गामा एस 3 आइजन वैल्यूज। भाई आपको लॉजिक समझ में आ गया? नीचे से चल रहे हैं हम। हेलो महापुरुषों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को लॉजिक समझ में आया? ऑप्शन दे, यहाँ तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा क्या दिया हुआ, बट ऑप्शन से पता लग रहा है कि ये मैट्रिक्स पॉलीनोमियल है पी में या ए में। तो भाई केली हैमिल्टन थ्योरम से ही होगा मैट्रिक्स को मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करना, तो उसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल के लिए हमें 3 आइजन वैल्यूज चाहिए। अब 3 आइजन वैल्यूज चाहिए तो तीनों ढूंढेंगे कहाँ से?
अरे सब कुछ दिया हुआ है, आंखें खोलो, सब कुछ एक एक आइजन वैल्यू दी हुई है, तुम्हें दिख नहीं रही, एक एक आइजन वैल्यू दी हुई है। कितना है? सो दिस इम्प्लाइज अल्फा का प्रोडक्ट बीटा के साथ, बीटा का गामा के साथ जीरो, ऑल आर जीरो, एटलीस्ट वन इज जीरो। तब बोलो बाबा, अल्फा इज जीरो से, अनलिस्ट तो तीन में से एक पता लग गई, बाकी दो ये दिख नहीं रहा। तुम कमाल कर दिया तुम लोगों ने, सच में कमाल ही कर दिया। हर क्लास में इस तरह का क्वेश्चन आपको कराया जाता है, कराया जाता है भाई, मानिए। अगर ऐसा लिखा होता तो, हाँ जी, आइजन वैल्यू पहचानो, आइजन वेक्टर पहचानो, थ्री आइजन वैल्यू है, एक्स आइजन वेक्टर। अब आप बड़ी पहचान बढ़ रही है, पहचानिए वहां, पहचानिए। फिर वन तो फ्री में दिया हुआ है, दिख नहीं रहा, लेकिन हमें दिख ही नहीं रहा, वो एरो देख के घबरा गया, वी चिल्ला चिल्ला के कह रहे नॉन जीरो। अब पहचानो भैया, आई थिंक वन इज एन आइजन वैल्यू एंड वी इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर। अल्फा वन है, बी सॉरी अल्फा जीरो है, बीटा कॉमन ले लीजिए। एक तीसरा, अरे ये है भाई, यही है, खोलो आंखें। पी एक्स इज लैम्डा एक्स, दिस इज पी, ये एक्स है, और वो वहां से 2/5 जरा बाहर निकालिए, निकालिए, क्या हो गया? आया नजर, बताओ जरा, तो मुफ्त में सब कुछ मिला हुआ था, बोलो। अब आगे क्या बताएं आपको, आपके सामने तीनों आइजन वैल्यूज प्रेजेंट है, इसका निकालिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कूदिए मैदान में। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एफ एक्स निकलेगा आपका, उसके बाद क्या करोगे? जो भी आपका पॉलिनोमियल आएगा उसमें केली हैमिल्टन थ्योरम लगाना है। व्हाट इज केली हैमिल्टन थ्योरम? इसमें जब आप पी पुट करेंगे तो जीरो आएगा, इज इट ओके? सॉल्व करके दीजिए भाई, बहुत सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो सब कुछ सामने रखा हुआ है लेकिन नजर नहीं आया, तीनों ऑल थ्री आइजन वैल्यूज आर देयर। आंसर चाहिए भाई, आंसर चाहिए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग? यस सर। फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए। हाँ जी, इंतज़ार हो रहे हैं आप लोगों का कि आप सब लोग अपने श्रीमुख से क्वेश्चन को शुभ शुभ साबित करेंगे। बताओ क्या ऑप्शन है? सर ऑप्शन वन।
हेलो। हाँ जी सलोनी एंड विशु, क्या ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट इसको मतलब हाईलाइट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सब कुछ आपके सामने रखा हुआ था लेकिन आप देख ना सके। ऐसे ही सच में ऐसे ही था। एक यस देखिए, बराबर लेवल का क्वेश्चन है तो एमएस में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए। इक्वल लेवल बेहतरीन क्वेश्चन आप सबके लिए। पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, आंखें खोल के रखना। आप सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। फॉर्चुनेट बात यह है कि मैट्रिक्स बड़ा नहीं बनेगा, छोटा सा बनेगा। आप आराम से सब कुछ कैलकुलेट करके सब सारे आंसर्स कर सकते हैं। पहले ट्राई करिए, आप लोग अच्छे से करिए।
हर नया क्वेश्चन आपको दर्द देके जाता है, मीठा दर्द। यस, पहले दोनों ऑप्शंस में ए बी और ए माइनस बी, तो जब ए बी के बराबर है करो भाई, इधर आ जाओ, आ जाओ आप सब एवरीवन। अब प्लीज डोंट आस्क मी यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगा। ए, ठीक है उधर, ए बाय टू जो साथ है ये, अब क्या करें सर? अरे वही करो भाई जो आपको सिखाया गया है, एकलन फॉर्म और एकलन फॉर्म, 0 0 0 कैसे आ गया? प्लीज डोंट आस्क मी। दिस इज एक्स वन या एक्स कह लीजिए, दिस इज एक्स टू या वाई कह लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ए एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू, उधर कितना आएगा? ए तो नॉन जीरो है, तो क्या बन गया? आया नजर? पहला तो करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। जरा ऐसे ही सेकंड वाला बताओ ना, डू डू प्लीज डू ऑल ऑफ यू, ये एग्जाम के क्वेश्चन है भाई, देख लीजिए। जो कह रहे हैं इक्वल लेने के लिए आप ले नहीं रहे, पहले दोनों पार्ट्स करिए ऑल ऑफ यू। वो भी करेक्ट है, उसमें एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस हाफ आ रहा होगा। बी बी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अरे कहाँ हो भाई, क्या कुछ जवाब दोगे नहीं दोगे? देवाशीष, धनराज, दिलीप, प्रीतम, सलोनी, विशु, इतनी कोई बड़ी कैलकुलेशन तो है नहीं, आप तो बस तो जब ए माइनस बी के बराबर है तो क्या आएगा? ये पोर्शन कर लिया आप लोगों ने, लिख लो कोई बात नहीं, दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड। डन? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी चीज़ में तो हाँ कह दो भाई, ए में, बी में, कॉपी में। देवाशीष, धनराज, दिलीप, प्रीतम, सलोनी, विशु, यस, कैन आई इरेज इट? यस ये भी आपने कर ही लिया होगा। सो दिस विल बिकम ए माइनस ए माइनस ए बाई टू, 0 0 0, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, तो एक्स माइनस, भाई इससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ तो कुछ कराया ही नहीं जा सकता। हाँ इधर माइनस, सॉरी, ये वाला भी करेक्ट हो गया। अब आते हैं थर्ड एंड फोर्थ पे, इनको तो शांति नहीं है। अब आपने देख ही लिया कि मल्टीपल करेक्ट है, धड़कने तो तुम्हारे तुम्हारी बढ़ रही होंगी। आओ भाई इधर, एवरी वन आइज ऑन द बोर्ड प्लीज। अब इसके लिए और इसके लिए आ जाइए अपने यूजुअल मेथड्स पे। व्हाट इज ए बाय बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? भैया जरा ध्यान दीजिए, करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब आपको कुछ
समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, देखो। यस लुक एट द पिक्चर एंड टेल मी, ये जो ए है वो तो 2x2 है, और जो ए बाई बी बन रहा है 2x3, हाँ ठीक है 2x3, कोई बात नहीं। इसका रैंक ए बाई बी का रैंक भी एटमोस्ट 2 ही हो सकता है। हाँ जी, ए पे आते हैं, ए का रैंक या तो 2 होगा या 1 होगा, रैंक 0 भी हो सकते हैं, तो या तो 2 या नॉट 2। हाँ जी, कब 2 होगा और कब 2 नहीं होगा, सब कुछ वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। देखो जरा ध्यान से, आप ध्यान ही नहीं देते। भाई डिटर्मिनेंट बताओ उसका क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट बताइए। हे प्रभु, इनकी तो आवाज़ ही नहीं निकलती कभी। ए स्क्वायर माइनस आए समझ में, वही, वही 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 लिखा हुआ है। ये 0 का मतलब, सॉरी आएगा ना, अब बस अब कुछ करके दो पहले। अभी होगा पूरा क्वेश्चन, बट प्लीज थर्ड एंड फोर्थ करके दीजिए, कैसे भी करके निकालिए। थर्ड एंड फोर्थ आपको दिखा दिया, सॉरी आपको दिखा दिया क्या दिया हुआ है, कुछ करिए एवरीवन। बस 2 लाइनें बची हैं बोलने के लिए, वो आपको बोलनी है। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं हुआ, तो दोनों का रैंक बराबर आ जाएगा ना, ए बाई बी का और ए का रैंक बराबर आएगा, फुल रैंक आएगा, तो यूनिक सॉल्यूशन ही आना है फिर तो। क्लियर हो गया आप लोगों को, फोर्थ ऑप्शन, उस केस में फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। खाली ये बोलना कि फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है वो तो अधूरा आंसर होगा, पूरा आंसर करना पड़ेगा। आइए ज़रा, अब समझ गए आई थिंक। रैंक ऑफ ए बाई बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, क्या है नंबर ऑफ अननोन्स, ऐसा होता है तो कैसा होता है, सिस्टम हैज, आवाज भी नहीं निकल रही है, क्लास में बैठे हो, सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू देयर, जी सर क्वेश्चन करो यार ढंग से, क्या कमाल कर रहे हैं आप लोग भी, कुछ तो निकाल के दीजिए, 4 में से एक पार्ट तो करो, ऐसे कैसे कैसे काम चलेगा एग्जाम में, क्या करेंगे ये सबके लिए, एग्जाम में क्या करेंगे आप लोग, एग्जाम तो होता ही परीक्षा के लिए, परीक्षा की घड़ी। ये अपने हिसाब से लिख लीजिएगा चेंज करके अपनी लैंग्वेज में घर पे, ये तो दिस इज माय लैंग्वेज, यू कैन हैव योर ओन। डन, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया था इससे, और इससे पिछला भी, लास्ट वाला भी। स्लाइड्स तो खत्म हो गई, कोई बात नहीं, अभी इंतजाम करते हैं स्लाइड्स का, ठहरो।
यहाँ बताइए कौन सा क्वेश्चन हटाया जाए, ये हटा देते हैं। फोटो डाल देना भाई ग्रुप में, अपने अपने ग्रुप में, रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में एटलीस्ट इसकी। देखो आज ये डरा देना अच्छे से। यस, डराएंगे आप लोग? हाँ, खाली हाँ हाँ करके चले जाते हैं आप सब। फोटो लेके डाल देना ग्रुप में, देखो आज ये करा दिया सर ने। फिर एलटी ये तो कर ही दीजिए। मैट्रिक से कर सकते हैं, एनटी एनटी से कर सकते हैं, एनटी से आरटी आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। कैसे निकाला एंटी से? या मैट्रिक्स से? जैसे भी निकाल लिए आ जाएगा, मैट्रिक्स जैसे भी निकाल लिए आ जाएगा। इधर ऑफलाइन में आया किसी का आंसर? अब ठीक है, फिर क्या करना? टू टू इज द आंसर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, दो आ गया। मैट्रिक से करिए, एनटी से जैसे भी करिए, आंसर इज टू। बढ़िया, रियली ग्रेट। विद रिस्पेक्ट टू स्टैंड मैट्रिक्स कर लीजिएगा। यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से भी वही आएगा। इसको इसमें डालेंगे, दिस विल इम्प्लाई यस, वही एक्स प्लस वाई जीरो है ना, वाई इक्वल टू माइनस एक्स आ रहा होगा अगर किया है। अच्छा, आपने तो डिटरमिनेंट सिमेट्रिक से किया है।
कोई बात नहीं। तो एक तो ये x प्लस जेड जीरो था, यानी x प्लस जेड इज जीरो, x प्लस वाई जीरो, ठीक है ना। यस, जेड की जगह माइनस एक्स रखिए, वाई की जगह माइनस एक्स रखिए, ये तो वन आ रहा है, आपका टू कैसे आ रहा है? अच्छा ये तो एन है ना, हमें तो रैंक थी, सॉरी, ठीक आ रहा है भाई बिल्कुल। इसका डायमेंशन वन यानी नलिटी वन, नलिटी प्लस रैंक यानी डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, अब दिख रहा है वो आर क्यूब है, ठीक है, हो जाएगा ना, हो ही गया बल्कि। हाँ जी मैम, रिकॉर्डिंग हो रही हाँ है। जी बिल्कुल, डायमेंशन ऑफ एंटी इज वन, ये थ्री है, तो रैंक आपका टू आ गया, सभी का आ गया टू। नेक्स्ट, रेडी फॉर नेक्स्ट? अब किस किसका बैंड बजाएं, सारी स्लाइड्स भर गई, तो मैडम को बुलाया जाएगा अभी, रुको, बताना ज़रा कौन सा क्वेश्चन हटाना है, एग्ज़ाम का क्वेश्चन कैसे हटाएं। अब ये करना पड़ेगा आप लोगों को, देखिए पहले क्वेश्चन समझिए क्या कह रहे हैं। आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, मान लीजिए जेड इक्वल टू 3 + 4 है उठा, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है? 4, इमेजिनरी पार्ट 4। अब मान लीजिए सिंपली 3 है, 3 का मतलब 3 + 0 है उठा, तो देर इज़ नो इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये 3 × 3 मेट्रिक्स है, इसकी 3 आइजन वैल्यूज होंगी, मान लीजिए अल्फा बीटा गामा ऐसे, देखो भाई इधर, और बाकी तीसरा ही। हाँ जी, व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट वन, अगले का, यहाँ आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए, करिए निकालिए।
कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकालिए। एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाइड विद एक्स स्क्वायर माइनस 13, यही आएगा, बन रहा है, फैक्टर हो रहा है। कोई है क्लास में जिसका ये आया? बस ठीक है, फिर आइजन वैल्यूज क्या है? 3 है प्लस माइनस रूट 13, तो इसका तो कोई इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है। नो इमेजिनरी पार्ट, नो इमेजिनरी पार्ट, थैंक यू वेरी मच, डन। ये इसको कहते हैं आधा तक क्वेश्चन छोड़ के आओगे, ऐसे ही है ये भी, आराम से आइजन वैल्यूज निकाल के काम करना है। Yes, online students done? Yes, sir. चलिए भाई ठीक है, तो आज तो पूरी ट्रेन चल गई आपकी जैम एम एस और जैम एम ए की। चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। थैंक यू सर। भारत ही जीतेगा, ध्यान रखना। थैंक यू सर। कोई बात नहीं, भारत ही जीतेगा। अभी भी भाई पहले Thank you.